मानपुर थाना क्षेत्र के गोंगड़ी पर गांव में जमीन के विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर पहुंचे परिजन स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पीड़ित युवक रामचंद्र यादव का 30 वर्षीय पुत्र गुड्डू यादव है, गोली उसके हाथ में लगी है। इस घटना के संबंध में गुड्डू यादव ने बताया कि आज सुबह वह अपने खेतों की ओर से धान देखकर लौट रहा था, तभी घात लगाए उसके चाचा ने उस पर गोली चला दी। अचानक हुए इस हमले में वह बाल बाल बच गया, मगर गोली उसके बाएं हाथ में लगने से वह घायल हो गया। पीड़ित ने बताया कि करीब 6 महीने पूर्व दादी के गुजरने के बाद घर का बंटवारा हो गया था, लेकिन खेत के बंटवारे में अड़चन आ रही थी, इसी को लेकर चाचा से अक्सर कहा सुनी होती रहती है। घटना की सूचना पर मानपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। मानपुर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि चाचा भतीजे में जमीन को लेकर विवाद है, अभी तक किसी भी तरह का लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। हम नदी पर से दो आदमी धान देखकर आ रहे थे, नदी पर से आ रहे थे तो धान देखकर जैसे हम अरार चढ़े जैसे गोली बार सब पूरा फायरिंग करने लगा, फिर वहाँ एक आरी था, आरी तर हम नुक गए, नुक के फिर हाथ हमारा ऊपर उठा हुआ था तो मनोज लाल ने फायरिंग करते हुए हमको तर गोली कहाँ लगा? गोली बाह में अथी में मारा, गट्टा में, गट्टा में लगा, हाथ में, हाथ में। कितना गोली लगा? एक गो, फिर भी लगा हुआ मैं गमछी बांध कर हमको लेके आने लगा, फिर भी पूरा फायरिंग किया। कितना आदमी था? 6 आदमी था। जब गांव के बाहर था? गांव के बाहर था, कुल गांव का हमारा परिवार था, अपना घर के आदमी था। विवाद किस चीज को लेकर? खेत का विवाद था। कितना महीना? 6 महीना। पंचायती नहीं हुआ? पंचायती अंतवातर हुआ था, फैसला हो गया था, फिर भी वो कुल गांव बोला और पंच बोला कि इसको हो गया तो कर लो, अब फिर बोला कि हम गट्टे काट लेंगे तो गोली क्या चलाएंगे।